यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में दमदार बैटिंग की। विशाखापट्टनम में शुक्रवार से शुरू हुए मुकाबले में जायसवाल ने छक्के से शतक पूरा किया। उन्होंने पारी के 49वें ओवर में टॉम हार्डली की गेंद पर छक्का जड़ दिया और छक्के के साथ शतक जड़ते ही यशस्वी ने सबको सहवाग की याद दिला दी। जी हां, आपने सही सुना, सहवाग की याद दिला दी। हम यूं भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड सहवाग के यशस्वी के खेलने का स्टाइल लगभग सहवाग जैसा है। जैसे वीरूपा टेस्ट क्रिकेट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, वैसे ही यशस्वी जायसवाल भी टेस्ट क्रिकेट में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और विरोधी टीम को दबाव में रखते हैं। साल था 2004, डेट 29 मार्च, भारतीय टीम के सामने थी पाकिस्तान की चुनौती और ये टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जा रहा था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे और विरूपा अपने अंदाज में पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने टेस्ट क्रिकेट में ओडीआई की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा करते हैं। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग से कहा, अब तुम छक्के नहीं मारोगे, हमें आराम से खेलना है और साझेदारी लगानी है। फिर सहवाग काफी देर तक आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब सहवाग 295 रन पर पहुंच गए तो उन्होंने बोला, अगर शकलैन मुश्ताक गेंदबाजी करने आए तो मैं आगे बढ़कर सिक्स लगाऊंगा और सिक्स लगाकर 300 रन पूरे करूंगा। फिर सहवाग बताते हैं, तब सचिन ने मुझसे कहा कि तुम पागल हो क्या, टीम इंडिया के लिए किसी ने आज तक ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है। फिर मैंने सचिन से कहा कि किसी ने 295 रन भी नहीं मारे हैं और फिर सहवाग ने छक्का मारकर 300 रन पूरा किया। फिर सहवाग ने बताया कि सचिन पाजी मुझसे ज्यादा खुश थे मेरे 300 रन बनाने पर। और अब आज कट टू 2024, बैटिंग स्टाइल से टेस्ट में वही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग और छक्के लगाकर शतक लगाना, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग। अब यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी स्टाइल पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।